आपका भाई यानी कि मैं वापस आ गया हूँ एकदम बेहतरीन ब्रॉल स्टार्स की वीडियो के साथ। और गाइस इस वीडियो में मैं यूज करूंगा अपने एम्स, अपने प्यारे ब्रॉलर एम्स को, और हम खेलेंगे सोलो शोडाउन के कुछ मस्ती भरे मैचेस जिसमें हम सोलो चढ़ाओगे इस वाले मैप में तबाही और तहलका मचा देंगे। तो चलो यार प्ले दबा के मैच को शुरू किया जाए। अब जल्दी से 10 के 10 प्लेयर फाउंड हो जाए तो हम मैच शुरू करें। ओके जल्दी फाउंड हो यार। ओ 9 प्लेयर फाउंड हो गए। ओके बातों की बातों में 10 के 10 लौंडे तैयार हो चुके हैं खेलने के लिए और यहाँ मैच शुरू हो गया है। हम यहाँ पे स्पॉन हुए हैं, आस पास ब्रॉक और तारा नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं तारा से पंगे लूंगा। ओ वाओ तारा भाग रही है यार, एक शॉट तो लग जाए तारा को, क्योंकि यार बस एक शॉट लगता है ना तो एम की इतनी पावर ज़्यादा है कि वो एकदम हेल्थ कम कर देता है। ओके एक शॉट लग गया, लेकिन ये एक शॉट नहीं लगाया, ये आधा शॉट था। हाँ अब लगाया अच्छा सा शॉट कोई मेरे को, लेकिन तारा के ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि तारा भी तबाही मचा सकती है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ऊपर पथराव शुरू हो गया है, लेकिन मेरे को क्या, मेरे को तो तारा से नहीं बटना है अभी। तो तारा हेल्प कर रही है मेरा सुपर चार्ज करवाने में। अब मैं यहाँ से अटैक करूँगा तारा पे। ओ भाई तारा ने एकदम अटैक कर शुरू कर दिया अपना। ओ भाई एकदम तारा आ गई थी तो मामला गंभीर हो गया था। तारा फिर से आ गई है, लेकिन अब मेरी हेल्थ थोड़ी कम है तो मैं बचूंगा, और मेरा सुपर चार्ज है तो मैंने सुपर यूज़ कर दिया है तारा पे, और तारा की हेल्थ लगातार कम हो रही है। ब्रॉक भैया भी मेरी हेल्प कर रहे हैं तारा को मारने में। अरे वाह तारा और ब्रॉक ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों के जेम्स मेरे को मिल गए, क्या किस्मत है। तो भाई अब थोड़ा घूम लेते हैं। ओ ओ यहाँ पे तो बुल था, तो बुल वही है जिसके पीछे खोपड़ी है, अब मैं इसकी खोपड़ी को जला दूंगा। तो बुल भागता हुआ और डैमेज खाता हुआ, ये बुल नूब है, नूब है ये बार बार की। देखो यार ये बुल किस्तों में भाग रहा है, भाग रहा है रुक रहा है, भाग रहा है रुक रहा है। तो मैंने अबे ये कहाँ चढ़ गया। ओबे तेरी इसने तो एम्स के ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन मेरे को थोड़ा दूर रहना चाहिए। उस दूसरे एम्स के पास 5 पावर क्यूब हैं। ओ गाइस मैंने देखा ही नहीं कि सिर्फ 3 ब्रॉलर बचे हैं, और अब आराम से खेलेंगे हम। पहले इस ब्रॉक को निपटाना सही रहेगा। तो मैं एम्स के साथ टीम अप करने की कोशिश करता हूँ। ओ ये मान गया है, वाह। तो इसकी मदद से पहले मैं ब्रॉक को निपटाऊंगा, लेकिन ये मेरे को पता था ये बीट रे करेगा हमें, ये लोयल नहीं है। ब्रॉक कहाँ गया, अच्छा वो ऊपर है लेफ्ट साइड पे। तो ये एम्स, इसमें मारूंगा मैं एम्स को। ओ भाई एम्स को बहुत तगड़ा डैमेज मार दिया मैंने। ब्रॉक कहाँ है ब्रॉक, अरे ब्रॉक मर गया, ब्रॉक को जोन ने मार दिया है। अब मैं अपना सुपर यूज करके एम्स पर दवाई बचा। अबे यार ये तो होना ही था गाइस, क्योंकि उसके पास 5 पावर क्यूब थे। कोई दिक्कत नहीं, हम रैंक 2 पे आए, प्लस 8 ट्रॉफीज, बहुत ही अच्छी चीज है। प्ले अगेन, दोबारा हम एक और मैच खेलना चाहते हैं। तो 10 के 10 लौंडे दोबारा तैयार होने वाले हैं और हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा मैच शुरू हो चुका है, और इस बार हमारे आसपास एम्स है और पाइपर है, शायद वही वाला एम्स है जो पिछले फाइनल में मेरे को हराया था। अभी इससे पूरा बदला लेता हूँ मैं। तो भाई मैंने एम्स से बदला ले ही लिया है बस। ओ गाइस मैंने एम्स को खत्म कर दिया और मेरा बदला पूरा हुआ। इसे कहते हैं कर्मा, द पावर ऑफ कर्मा। तो ये मेरे से टीम अप करना चाहता है, टीम अप के बहाने मैं इसे लुटका दूंगा। ओ वहाँ पे बी है यार, मैंने ज़्यादा जल्दी कर दी मारने में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बो है, बो अपना ईगल आर्टली, ओ सॉरी ईगल आर्टली जो भी है वो। ओ भाई बो पे सैंडी ने अटैक कर दिया है, एकदम धाबा सा बोल दिया था। अब यहाँ पे जो भी है उसे मारूंगा मैं। यार ये पाइपर मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, लगता है इससे नहीं बटना पड़ेगा पहले। पाइपर के पीछे नीटा पड़ी है, नीटा के पीछे सैंडी, सैंडी ने पाइपर को मार दिया, क्या हो रहा है यार, सब किसी के ना किसी के पीछे पड़े हैं। और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ एकदम खुले में, यहाँ से कोई निकल के आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे कौन है, कहीं भी कोई नहीं है, तो लोग हैं कहाँ। अबे एक ब्रॉलर भी नहीं दिख रहा, ऊपर मार दिया है एम्स ने बो को, लेकिन मारा कहाँ पे है वो तो दिखाओ। ओके यहाँ पे कौन है, अच्छा यहाँ नीटा है, उस पर मैंने अच्छा डैमेज दे दिया, ठीक है। अब मैं नीटा को कोपचे में लेके मारूंगा, लेकिन उसने मेरे को ही मार दिया उल्टा। ओ भागो भागो, ओ शिट बच गया, थोड़े के लिए बच गया गाइस, यहाँ से कोई पंगा नहीं चाहिए मेरे को, मेरी हेल्थ थोड़ी कम है अभी। तो ये एम्स उसका फायदा उठाने आ रहा था, लेकिन गाइस अब 3 के 3 ब्रॉलर बचे हैं बस हम, और यहाँ पे सैंडी अपने सुपर की वजह से गायब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक पावर क्यूब तो मिल गया। ओ दोबारा एम्स, शिट यार एम्स के साथ टीम अप करनी पड़ेगी।
एम्स टीम अप पंडे यार, ये तो मार के रहेंगे मेरे को शायद। ओके अब मैं इन दोनों के बीच में आ गया हूँ। सैंडी को, यार सैंडी को मार सकता हूँ क्या मैं? हट यार, एक शॉट सैंडी को लग जाता तो मैं जीत जाता। कोई नहीं यार, हम थर्ड आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और हमारी रैंक 16 हो गई है, तो भाई बहुत ही बड़ा हुआ ये। मैं एक फाइनल मैच खेलता हूँ शोडाउन का। दोबारा से 10 के 10 लौंडे तैयार हो गए हैं और यहाँ पे हमारा मैच शुरू हो गया है। तो इस बार आसपास एक काल है और एक रिको है, उन्हें मैं अभी बताता हूँ, उन्हें अभी मैं मजा सकाता हूँ। किसके पास जाऊँ मैं? चलो रिको के पास जाते हैं, काल से बाद में निपटेंगे। तो पहले काल से निपट लेते हैं जब ये इतने पंगे ले रहा है। और ऊपर पथराव शुरू हो चुका है। अरे ऊपर वाले काल पे 10-15 पत्थर फेंक दे। ओ भाई, काल को कोप से में ले लिया है मैंने और रिको ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। ओह, हमारे साथ एजेंट पी भी आ गया है और काल को बीच में लेके दाबा जा रहा है। काल अंदर घुस गया और बच गया। अब रिको और एजेंट भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं टीम अप करना चाहता हूँ। एजेंट भी टीम अप कर रहा है मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया। इसे कहते हैं अपना काम निकलवाना। और अब मैं यहाँ पर रिको पे अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ओके एक आध शॉट और लग गया तो इसका खेल खत्म यहीं हो जाए। रिको का सुपर चार्ज हो गया है, काल का सुपर चार्ज हो गया है, लेकिन मैं ये क्या बोल रहा हूँ उससे क्या मतलब मेरे को। ओ रिको खत्म बस। ओ भाई, थोड़ा सा बच गया रिको, थोड़े के लिए रिको बच रहा है बस। भाई यार, एक आध शॉट लग जाए रिको पे तो मजा ही आ जाए, जिंदगी सफल हो जाए मेरी। एक शॉट लग जाए रिको पे बस। ओ यहाँ पे तारा भी आ चुके हैं रिको से पंगा लेने। रिको को मारो गाइस, सब मिलकर रिको को मारो। यहाँ पे मेरी भी हेल्थ कम हो रही है थोड़ी। मेरा टीम पार्टनर एजेंट भी ऊपर है और उसने रिको को घेर के मार दिया। बहुत ही बढ़िया काम किया ये उसने। अबे मैं तेरे दोस्त हूँ यार, मेरे को मत मार। ये एजेंट भी बहुत ही चलाक आदमी है। तो हम यहाँ से दूर भागेंगे और यहाँ बीच में हम, ओ बीच में तारा है, उसे मैंने मार दिया। वाह, अबे यार ये कहाँ चला गया मैं? यार गलती से कहाँ चला गया मैं? ओके तब भी मैंने उसे मार दिया। किसे मार दिया मैंने? बी को मार दिया। और मैं फिर से आ गया हूँ थर्ड पोजीशन पे। चलो यार, थर्ड भी बढ़िया है। तो भाई अब ये थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना इसी के साथ गाइस फिर मैं वीडियो को अब एंड करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना, कॉमेंट करना कि आपको अगली वीडियो कौन से ब्रॉलर या कौन से दूसरे गेम पर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक और बात, आई लव यू 3000। बाय।